भारत में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन में है। पीएम मोदी ने जहां अपना होली मिलन समारोह रद्द कर दिया है, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी भारत में कोरोना के रोकथाम को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में बताया। कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए भारत सरकार अपने वैज्ञानिकों को ईरान भेज रहा है। चीज तो यह है कि मेरा ख्याल से अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट देखा, थोड़ी देर पहले उन्होंने किया कि हम जो गैदरिंग्स वगैरह है उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड है तो ही हैज द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मैनी पीपल। नॉर्मली जो इसका जो स्प्रेड होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा जो थूक है या उसकी जो छोटे छोटे कण जिसे ड्रॉपलेट कह सकते हैं जो बाहर जाएगा उसके साथ एक मीटर तक कम से कम फासले पर मैं किसी दूसरे को कर सकता हूँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए। और फिर दूसरा जो है एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है, तो अगर इन्फेक्शन किसी को है हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें। हैंडशेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है नमस्ते करके हम कर लेते हैं। हाथ को जो है अगर ये भी एक तरीका हो सकता है, इसे सेफर तरीका रादर देन दिस कि मैं अपने खांसते छींकते समय हम टिश्यू पेपर का यूज़ करें, उसको फिर डिस्ट्रॉय करें, प्रॉपर जगह पे ट्रैश उसको उसमें पहुंचाएं। और हाथ को बार बार अपने मुंह पर, नाक पर, आंखों पर हम ना लेके जाएं। जिन सरफेसेस को हम बार बार टच करते हैं उनको क्लीन रखें। ये कुछ ब्रॉड प्रिकॉशंस हैं। ट्रीटमेंट इसका लाइक एनी अदर वायरल इलनेस है कि भाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर बुखार है तो हमें बुखार के लिए पैरासीटामॉल लेना पड़ेगा और प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, यही इसका, या रेस्ट, ये ब्रॉडली ट्रीटमेंट है। मॉर्टेलिटी इज ओनली 2%, बट जिसका एक भी किसी को तकलीफ होगी उसके लिए तो वो 100% है ना, उसके परिवार के लिए। तो इसलिए सिंपल प्रिकॉशंस लेके और प्रॉपर रेस्ट करके, और हम खासकर अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उसको अपने घर वाले को या रिश्तेदार को ना दे, इसलिए कम से कम वो तो मास्क जरूर यूज करे। ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं ये आपके माध्यम से भी ज्यादातर लोगों को पहुंचे, टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं, ट्वीट्स के माध्यम से हमारे मिनिस्टर, दूसरे लोग, सब जगह से, हमारी मिनिस्ट्री से भी जा रहा है, सब जगह से जा रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं ये, लोगों को आप बताते रहें, हम लोग को आपको जो जो चीज़ें हमारे ध्यान में आती जाएंगी या आवश्यक होंगी वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी हमारा मैंने पहले भी बताया था हमारे पास, अभी हमारे जैसा पहले भी बताया कि लगभग 3000 से ज़्यादा हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव्स हैं इनके बारे में आपको बता दिया। 15 लेबॉरटरीज हमने पहले एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट फेज में ही, अभी 19 लेबॉरटरीज और एस्टैब्लिश कर दी हैं, जिसमें से स्टार्ट कल शुरू हो गई है, बाकी सब आज शुरू हो जाएंगे। टोटल अब 15 प्लस हो गए। देखिए ये मैंने 15 प्लस 19 जो है अभी हमारी हो गई है। मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि हम 50 तक तो हम लोग जो है कभी भी एक्सपेंड करके ले जा सकते हैं। अभी जब हम अगर ईरान में जाकर लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी उसके लिए हमारी ऑब्वियसली कोशिश है कि जो हमारे लोग बाहर हैं वो भी वापस आना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए वहाँ से जो भी लोगों को लाया जाए उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और या उनको लाकर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अभी हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उसके बारे में डिटेल में चर्चा वगैरह करेंगे, लेकिन
फैसिलिटी की, वहाँ पर अगर उनके पास लोकल फैसिलिटी नहीं है तो हम अपनी तरफ से भी ऑफर कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग दैट फैसिलिटी। हम यहाँ से आज की तारीख में हम जा रहे हैं 4 बजे की फ्लाइट से, एक ऑलरेडी, हाँ एक और आ चुका है, 3 और जा रहे हैं ईरान, और सामान भी आज रात को जा रहा है हमारा जो है यहाँ। भारत में कोरोना के मरीजों को लेकर भी काफी अफवाह है, ऐसे में जो सरकारी आंकड़े कहते हैं और कैसे ये लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, ये जानकारी भी आपको दे देते हैं। लगातार भारत सरकार की जो रैपिड रिस्पांस टीम्स है हमारी जो है, क्योंकि रैपिड रिस्पांस टीम तो ट्रिगर कर सकती है, एक्शन को इनिशिएट कर सकती है सारे देश के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही जो है टू टेक चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। तो ये हमने एक उनके साथ बातचीत करके आज ये मीटिंग की है दिल्ली के सभी लोगों के साथ, तो आई थॉट कि एक तो आपको सूचित कर दें। अभी 3 बजे हम लोग अपनी एक आज फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग करेंगे, और अभी सुबह हम लोगों ने इनफैक्ट कल ही ले लिया था ये निर्णय कि अभी तक हमने बताया था लास्ट टाइम जब आपसे मिले, जो कंट्रीज हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं, मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे, ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, दैट इज़ वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। दूसरा जो अभी हमने कल शायद आपके साथ नहीं शेयर किया था, लेकिन कल इंटरव्यू वगैरह में डिस्कस किया था कि हमारा हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं, अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं, और आज रात को हम लोग एक ईरान की लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि कस्टम्स वगैरह सारे ये इक्विपमेंट को क्लियर कराना होता, तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम वहाँ ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश करें, और जो लोग वहाँ से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको अगर हम प्रेफरेबली टेस्ट करके लाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको हम विषय को अभी अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और जानकारी आपको देनी है कि एक इटालियन ग्रुप, ये करीब 23-24 लोगों का ग्रुप, जो ये मच बिफोर लगभग 21 फरवरी को ये भारत में घूमने के लिए आया था, और उस समय ये इटली जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग पार्ट नहीं था, तो उनमें से एक मेंबर को बुखार इत्यादि हुआ जयपुर के अंदर, और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया, पॉजिटिव हमको इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने उनके ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको ने पहले वो वापस जाना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वापस आने के लिए मनाई किया, तो हमने उनको तुरंत आइसोलेट करके जो ITB हमारा जो कैंप है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया था उनके ग्रुप के बाकी लोगों को। तो अभी वो जो ग्रुप है उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ये है कि वो जो एक व्यक्ति जिसको पॉजिटिव पाया था उसने अपनी वाइफ को भी उसने इन्फेक्शन दिया, तो उसकी वाइफ भी पॉजिटिव आई, और उस ग्रुप के जो बाकी लोग जो थे उसमें से 14 लोग जो थे उनको जो है वो पॉजिटिव पाए गए, उसी दे आर ऑल इटालियंस। ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया वो पॉजिटिव आया, तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके ITPP कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया,
वहां शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस वन इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। तो दिस इज द इनफैक्ट 15 वो हो गए, और वो एक प्रकार से उनका हस्बैंड और जो है तो उस ग्रुप में से तो टोटल 17 हो गए। तो अभी ये देखिए, अभी आपको सारा मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 3 केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे, केरल में आने के बाद वो के घर चले गए, फिर एक केस दिल्ली में आया, उसने 6 घर के रिश्तेदार को आगरा में इन्फेक्ट किया, एक उसके उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे, ही हैड गॉन टू आगरा आल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 4 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका, उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को जितने भी कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग। तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, दैट इज़ हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला केस था वो तेलंगाना के अंदर आया था, जिसके उसके भी लगभग 88 के करीब जो है कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, और इसके साथ साथ जो 3 केरल में आए, और ये आगरा वाला मैंने बताया ना, 6 लोग बताया ना। देखिए दिल्ली में जो एक केस आया उसने 6 को इन्फेक्ट किया अपने रिश्तेदारों को, इटालियन जो ग्रुप आया उस इटालियन ग्रुप ने अपने ही ग्रुप के जो है खुद को मिला के 15 + 2 = 17 लोगों को उसने अपने ही ग्रुप के इन्फेक्ट किया, जिसमें 17 में जो है एक इंडियन है जो ड्राइवर, 16 + 1 कह सकते हैं आप उसको जो है। अभी इसमें जो अब आप उसको टोटल कर लीजिए जो आपको मैंने बता दिया है,